हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एसबीआई पीओ प्री का जो आज का पेपर हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी तरह ही एक यूजर ने मुझसे शेयर की हैं, आपकी तरह ही वो भी स्टूडेंट है जिन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई हैं। मेमोरी बेस्ड है, जितना उनको याद था उन्होंने सारी चीज़ें शेयर की हैं, तो मैंने सोचा कि आपके सामने भी रखूँ मैं कि ये क्वेश्चन क्या क्या आए थे। तो इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन आपका मॉडरेट था, या मैं कह लूँ इजी था कंपेयर टू जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंग्लिश काफ़ी टफ आएगी। एक आपका पैराजंबल आया हुआ था, पैराजंबल आपका एक था, 5 नंबर का वो टोटल था, और ये इजी था, मतलब ऐसा टफ नहीं था। करने में हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे आपको। अगर आपका कल एग्जाम है तो आप देखिएगा पैराजंबल आपका इजी होगा। मैंने जो पैराजंबल की वीडियो बनाई थी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जैसा कि मुझे बताया गया कि अगर आपको वहां पे पता चल जाएगा कि क्या आपके शुरुआत होने वाले वर्ड्स हैं और कौन कौन से वर्ड शुरुआत होने वाले नहीं होते हैं, जो कनेक्टर्स होते हैं वो सारे थे, तो बहुत ईजिली आप इसे कर लेंगे 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, फिर क्या आया था? एक आया था आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो 10 नंबर का था और काफ़ी लेंदी था। ठीक है, तो ये आपका मैं टफ कहूँ या मॉडरेट कहूँ कुछ भी समझ लीजिए, ये आपका लेंदी था। टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन था और काफ़ी लेंदी था। लेंदी का मतलब बहुत बड़ा पैराग्राफ था, लेकिन इसमें से आप 4 नंबर इजिली गेन कर सकते थे। कैसे? बताया गया कि इसमें 4 नंबर तो आपके वोकैब से ही थे, मतलब टोटल पूछा गया था कि सिनोनिम और एंटोनिम पूछा गया, 4 नंबर आप बिना पैराग्राफ को पढ़े भी आसानी से कर सकते थे, तो 4 नंबर यहां से आप कर सकते हैं। फिर क्या आया था? एक आया था आपका क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट आपका बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। 5 नंबर आपके फ्री के थे, बहुत ही इजी लेवल का था, आसानी से कर सकते हैं, बेसिक नॉलेज होगी तो भी कर सकते हैं। एक आया था आपका डबल फिलर, डबल फिलर जो आया था वो भी आपका इजी ही लेवल था, 5 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, ये भी आपका इजी लेवल का था। तो डबल फिलर्स भी जो भी आए थे, एक आध क्वेश्चन शायद कह रहे थे कि टफ था, मतलब नहीं निकाल पाए अगर वो, बाकी सारे बहुत ही इजी थे, और एक भी आपने अगर गैप को फिल कर लिया तो दूसरा फिल करना उससे काफी आसान हो गया था, ऐसा बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपका एक सेट पूरा आया था एरर करेक्शन का, या एरर डिटेक्शन करेक्शन कहूं, और ये आपका मॉडरेट लेवल था, मतलब बहुत इजी नहीं था तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, तो आप 5 में से कम 3 क्वेश्चंस तो आसानी से कर सकते हैं एरर डिटेक्शन के। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बेसिक नॉलेज होगी तो 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल का ये था। तो ये तो था आपका पूरा इंग्लिश का सेक्शन, इजी था। इसमें आपने अगर किए होंगे 30 में से 20 नंबर्स तो काफी अच्छा है स्कोर आपका, 20 नंबर्स किए होंगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इस 30 में से कम आप 26 to 27 नंबर्स आप अटेम्प्ट कर सकते थे बहुत इजीली। काफी आसान पेपर था इंग्लिश का कंपेयर टू जैसे पूछे जाते हैं पहले पेपर्स। चलिए, ये तो थी इंग्लिश की बात, चलिए अब चलते हैं रीजनिंग में, देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग का जो आपका पूरा का पूरा पेपर था, अगर उसे एक शब्द में बयान करूं तो वो क्या था? वो यही था आपका, क्या? पजल। यही है आपका पूरा का पूरा पेपर। टोटल लगभग 20 नंबर्स के क्वेश्चंस थे आपके पजल्स से ही। ओके, उसके बाद क्या था? पजल्स के अलावा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन कौन सा था? कोडेड नहीं था आपका, जो सिंपल होता है कि ए डी की मदर है, डी ए का फादर, ऐसे करके जो होते हैं, उस पे 3 नंबर के क्वेश्चंस थे। एक ही आपको फैमिली ट्री बनानी थी और 3 नंबर आपको मिल जाने थे, आसान था ये। ठीक है, आपका 3 से 4 नंबर का आपका आया था इनइक्वलिटी आया था, शायद 5 नंबर करा होगा, इतना याद नहीं, इनइक्वलिटी था आपका 5 नंबर का। उसके बाद क्या था नेक्स्ट आपका जो था? वो एक सीटिंग अरेंजमेंट आया था। सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका कैसा था? सीटिंग अरेंजमेंट आपका एक फ्लोर वाला था, फ्लोर पे बैठे हुए हैं कुछ लोग। और एक आश्चर्य की बात यह है कि जो मैंने आज वीडियो अपलोड की थी पजल वाली, मतलब असाइनमेंट वाली, वही का वही एक क्वेश्चन लगभग आपका कह रहे थे 80% सेम क्वेश्चन आ गया था आपका। ठीक है, तो जिसने आज वो वीडियो देखी रही होगी तो कम से कम उसको 3 से 5 नंबर तो आसानी से मिली गए होंगे। 80% कह रहे थे क्वेश्चन सेम था, बस थोड़े बहुत पैरामीटर्स बदले हुए थे, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन ही वही आ गया था। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ था। नेक्स्ट आपका पजल्स में और क्या क्या आया था? एक आया था आपका सिंगल लाइन का, 8 लोग बैठे हुए थे, 8 लोगों का आया हुआ था कि 8 लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्शन के साथ था कि नॉर्थ और साउथ में थे। और एक यहां पे आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, जैसा कि मुझे पता चला कि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज नहीं था, मतलब पूरे पेपर में नन ऑफ दीज नाम का ऑप्शन आपका मौजूद नहीं था,
पांच आपके ऑप्शंस थे और पांचों के आंसर लिखे हुए थे। सबसे अच्छी बात मुझे लगता है यही थी। ज्यादातर क्या होता है कि नॉन ऑफ दीज ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन को कम किया गया और पांच के पांचों आपको आंसर दिए गए थे। अब ऐसा था कि नहीं था ये तो आप भी जानते होंगे अगर आपने पेपर दिया था तो। अभी तक ये बात किसी ने शेयर नहीं की थी, मैं इसे शेयर कर रहा हूं कि पांच के पांचों ऑप्शंस आपके आंसर में थे। तो इसका मतलब क्या था कि उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि एक शायद ये जो पजल था आपका नॉर्थ और साउथ वाला, इसमें कहीं पे उसको कंफ्यूजन हो रही थी। कह रहा था कि सबसे लास्ट वाली पोजीशन और सेकंड लास्ट वाली पोजीशन पे कौन बैठ रहा था, इस बात को लेकर उसे टेंशन हो रही थी कि कौन बैठेगा। तो ये टेंशन उसकी कैसे खत्म हुई थी, इसी पांच ऑप्शन में। कि अगर पांच ऑप्शन आपके होते और आखिरी वाला ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, तो कह रहा था इसे करना पॉसिबल नहीं था। मतलब बताया ही नहीं गया था क्वेश्चन में कि यहाँ पे कौन बैठेगा, लेकिन एक क्वेश्चन ही एक ऐसा आ गया था जिसकी वजह से उसने इसको सॉल्व कर लिया। मतलब उसमें आंसर में था कि शायद एक्सट्रीम एंड पे इनके नेबर्स कौन होंगे, तो लिखा हुआ था कि एक यहाँ पे एच था और यहाँ पे इसके साथ पेयर में कौन होगा, तो एस और टी में शायद कन्फ्यूजन थी उसे। तो एक आपका ऑप्शन था एच टी, दूसरा आपका ऑप्शन था एस टी, और ऐसे करके ऑप्शन था, मतलब एच एस नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उसी से कन्फर्म हो गया कि इस वाली पोजिशन पे टी ही बैठेगा। तो ये तो थी इसकी खासियत। ये आपका क्वेश्चन आया था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से और सिंगल लाइन का था। एक और आपका पजल ऐसे आया हुआ था कि तीन पर्सन, मतलब शायद चार या पांच पर्सन थे, और मतलब तीन चॉइसेस आपको उनको बराबर करनी थी। कहीं पे काम कर रहे थे और कोई शायद किसी कलर की कार थी या ऐसा कुछ था। तो ये आपका पजल आया हुआ था, एक इस तरह का भी आपका असाइनमेंट का ही पजल था। तो इसी तरह आपके पजल्स आए हुए थे टोटल 20 नंबर्स के। उसके बाद आपका क्या था, तीन से पांच नंबर का आपका था ब्लड रिलेशन। उसके बाद आपका तीन से पांच नंबर में ही आया हुआ था आपका क्या, डायरेक्शन सेंस वाला। डायरेक्शन सेंस का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और इजी था वो, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। करने में हार्डली आपको 1.5 मिनट्स लगेंगे, तीन से पांच नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इन सब चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा, कल आपका अगर पेपर है तो इन सब चीजों को तैयार करके जाइएगा। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो सबसे अगर टफ की बात करेंगे तो रीजनिंग का ही सेक्शन था। इंग्लिश सबसे इजी था, मैथ का भी आपका पेपर क्या था मॉडरेट लेवल का था, मैथ टफ नहीं थी। सबसे ज्यादा टफ आपका क्या था, रीजनिंग का सेक्शन था। तो टफ का मतलब क्या था कि पजल्स ज्यादा आए थे, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा रहा होगा। तो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, सबके लिए रहा होगा, तो इसमें इतना डरने की बात नहीं है। बस मैंने जो बताए हुए पॉइंट्स आपको इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैथ सेक्शन की अगर मैं बात करूं कि मैथ में क्या क्या आया हुआ था। तो मैथ में आपका एक तो फिक्स ही है, पांच नंबर का आपका आया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बताया ऐसा गया कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और जो सबसे बड़ा मल्टीपल था, जिसमें आप कहते हैं सब सर बड़े बड़े मल्टीपल आएंगे, तो कहते हैं सबसे बड़ा जो मल्टीपल आया हुआ था वो था 84। इससे बड़ा और कोई मल्टीपल आया ही नहीं हुआ था, इसे अरेंज करना था। और सारे के सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड थे, जैसे मैंने बताया था। जिसने भी इसको किया था वो बता रहा था कि 1.5 मिनट में उसने पांच क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर लिए थे, सारे के सारे सही हैं। तो देखिएगा आप भी कल जाएंगे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, कुछ लोग पूछते हैं सर ये क्यूब वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब आते नहीं है, सब आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करने के लिए ऐसे सारे क्वेश्चन भर दिए जाते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ नहीं बहुत ज्यादा टफ पेपर आने वाला है। तो ये सब होता कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था मैथ में, पांच नंबर का आपका आया होता अप्रोक्सीमेशंस। और अप्रोक्सीमेशंस जो आए हुए थे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उससे बाहर का कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी था, आसानी से दो मिनट में पांच क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे, ऐसा बताया गया। दूसरा क्या हुआ था इसमें, पांच नंबर की आपकी सीरीज आई हुई थी, और सीरीज आपकी इतनी आसान नहीं थी। सीरीज में आपके दो नंबर के जो क्वेश्चंस थे बहुत ही इजी थे, आसानी से कर सकते थे। बाकी के जो तीन नंबर के क्वेश्चंस थे वो टफ लेवल के थे, मॉडरेट भी नहीं थे, टफ थे। तो सीरीज आपकी थोड़ा बैलेंस में नहीं थी। उसके बाद आपका आया हुआ था पांच नंबर का बार ग्राफ आया हुआ था, और बार ग्राफ जो आया हुआ था वो भी बहुत टफ नहीं था। पांच नंबर ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा बताया गया कि बस सिंपल सिंपल चीजें पूछी गई थी। परसेंटेज पूछा गया था कितना इंक्रीज है, रेशियो पूछा गया था, एवरेज पूछा गया था। तो अगर आपने मेरी डीआई वाली वीडियो देखी होगी तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं था। पांच नंबर का आपका आया हुआ था लाइन ग्राफ, एक आया हुआ था डीआई के सेक्शन से ही। और ये जो आपका था लाइन ग्राफ वाला, इसमें तीन नंबर के क्वेश्चंस आपके इजी थे, दो क्वेश्चंस आपके लेंदी थे। लेंदी का मतलब क्या कि टफ नहीं थे लेकिन उनकी कैलकुलेशंस हार्ड थी, ठीक है। दस नंबर के क्वेश्चंस आपके आए हुए थे पूरे टोटल मैथ्स में से, मतलब जो होता है आपका पार्टनरशिप हो गया,
SICI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सब मिला के 10 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो ये तो था आपका मैथ सेक्शन की बात। और इसकी भी यही खास बात क्या थी कि इसमें भी आपका नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं था। ये मैं अलग अलग सेक्शन की बात करूं, पूरे पेपर की ही बात करूं, ये वाला ऑप्शन कह रहे थे कहीं भी नहीं मिला है। एकाध क्वेश्चन में हो सकता है रहा हो, लेकिन और पूरे पेपर में पांच के पांचों आपको आंसर ही दिए थे। ठीक है, इसमें एक बात बताना मैं भूल गया, इस 10 नंबर में आपका प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन कह रहे थे आया था, बॉल वाला था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और प्रोबेबिलिटी की एक वीडियो में बना रहा हूँ, केवल और केवल एक ही वीडियो बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी की, वो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, हो सकता है 40-50 मिनट की हो, लेकिन उसमें मैंने एक वीडियो में ही सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं, चाहे आपके वो कॉइन से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस, चाहे वो आपके डाइस से रिलेटेड होंगे, चाहे वो आपके कार्ड से रिलेटेड होंगे, या फिर चाहे आपके बॉल्स से रिलेटेड होंगे। तो आपको बस एक ही वीडियो देखनी होगी और आप सारे के सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर लेंगे। ठीक है, मैं ये वीडियो आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो एक आपका प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नहीं था, और रीजनिंग में जिसमें आप लोगों ने सब ने मिलकर बहुत ज्यादा पीएचडी की थी, सिलोजिस्ट, इससे भी क्वेश्चन नहीं था। तो आप पेपर में डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और इसके लिए आप किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि किसी को बताया नहीं जाता है कि क्या पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो ये तो था पूरे एग्जाम के एनालिसिस। अगर मैं पूरे अटेम्प्ट की बात करूं तो 100 नंबर का अगर आपका पेपर था, जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपने 57 टू ऊपर कितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, 57 के ऊपर, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, 57 के ऊपर आपने एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, या अगर आपने मान लीजिए 65 क्वेश्चन किए और आपको लग रहा है 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो इस जोन में आ रहे हैं आप, तो समझ लीजिए सेफ है, आप मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर जितना आपका आसान होता है, ध्यान रखिएगा, कट ऑफ लिस्ट उतनी ही ऊपर जाती है, और पेपर जितना टफ होता है कट ऑफ लिस्ट उतनी ही नीचे जाती है। इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या ले डूबेगा, वो होगा रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग का सेक्शन जिसने अगर नहीं किया होगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। 35 नंबर के क्वेश्चंस में 25 अटेम्प्ट करना भी लोगों के लिए मुश्किल था, ऐसा बताया गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब दिमाग आप जब तक लगाएंगे तब तक समय इतना तेजी से जा रहा था कि हटना पड़ रहा था लोगों को, अटेम्प्ट करना ही पॉसिबल नहीं था। अगर वो अटेम्प्ट करेंगे तो बाकी का सेक्शन छूट जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग आप अपनी थोड़ा मजबूत करके जाइएगा, और ध्यान रखिएगा मैं बोल दे रहा हूं अभी से ही पेपर के लिए कि रीजनिंग से आप स्टार्ट नहीं करेंगे पेपर को। पेपर जैसा आ रहा है उस हिसाब से रीजनिंग से स्टार्ट करना आपके लिए खतरनाक साबित होगा, घातक साबित होगा, आपका पूरा टाइम कंज्यूम कर लेगा रीजनिंग का सेक्शन। पहले इंग्लिश करिएगा या तो पहले मैथ करिएगा, रीजनिंग भले ही आपकी कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन ये टाइम आपका जरूर लेगा, आप करके आइएगा, देखिएगा फेल होना आपका लगभग पक्का ही होगा अगर आप रीजनिंग पहले करें। क्यों? क्योंकि जो पजल्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, भले ही आप कर ले रहे हैं लेकिन एक एक पजल करने में आपको वैसे ही पता होगा कि जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो पहले के 10 मिनट आपको पता ही नहीं चलता है, सबसे ज्यादा आपके टाइम कंज्यूम यही होते हैं पहले के 10 मिनट, क्योंकि पहला पेपर जब स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको लगता है अभी तो पेपर स्टार्ट किया है, 2-4 मिनट तो आपको पहले क्वेश्चन को समझने में पढ़ने में लग जाते हैं, उसके बाद आपका दिमाग चलता है। ठीक है, तो रीजनिंग से स्टार्ट मत करिएगा, मैथ या इंग्लिश से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद रीजनिंग पे जब पहुंचेंगे तो शायद तब तक आपका थोड़ा दिमाग भी ओपन हो जाएगा और आपकी स्पीड भी बन जाएगी, तब करना इसको आसान होगा। तो रीजनिंग में आप ढूंढ ढूंढ के पहले क्वेश्चंस करिएगा, कहीं पे कोडिंग डिकोडिंग आया है तो कर लीजिएगा, इनइक्वालिटीज आई है तो खटाखट आप कर लेंगे, 1 या 2 मिनट में ही सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो डायरेक्शन सेंस का आया था वो कर लेंगे, ब्लड रिलेशन कर लेंगे, मतलब जो सिंपल वाले क्वेश्चन सबसे पहले उसको निपटा लीजिएगा, ऐसे नहीं कि आपको मिल गया पजल बस उसी को लेके पढ़ गए हैं उसी को करते गए। ये जो आपके कम से कम 10 से 15 नंबर इसे तो आप सिक्योर कर लीजिए, ताकि कम से कम कट ऑफ से तो ऊपर रहें आप, रीजनिंग की कट ऑफ भी आपकी 10 नंबर से ऊपर तो नहीं जाने वाली, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे लोग बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप सारे पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। आई होप आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी, और आपका अगर पेपर है कल तो एक बार वीडियो को देख के जरूर जाइएगा, ताकि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके और आपको जो रिवाइज करना है आप अपने आप को थोड़ा सा समअप कर सकेंगे कि आपको रिवाइज क्या क्या करना है। DI आपका बिल्कुल भी टफ नहीं आया था, बहुत ही आसान था, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछे गए थे। तो आप मैथ के सेक्शन से क्या क्या पढ़ना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, बार ग्राफ या लाइन ग्राफ, कोई एक DI तो आपका एकदम सिंपल आएगा, आसानी से आप कर सकते हैं।
तो ये तो था पेपर की एनालिसिस, आज के 9 तारीख के पेपर की एनालिसिस मैंने आपको बताई है। इसी तरह आप भी अगर पेपर कोई देके आते हैं तो आपको पेपर कैसा लगा, क्या क्या पेपर में आया था, सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, उसे आप फेसबुक ग्रुप पे भी मेरे पे पोस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं आपके पास, जैसा कि मुझे आज लोगों ने बताया तो मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूं, वरना मुझे भी कैसे पता चलेगा कि पेपर में क्या क्या आया था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल प्रोबेबिलिटी की वीडियो के साथ। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।